खिलचीपुर के सोमावरिया में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को एसडीएम प्रकाश कस्बे के निर्देश पर तहसीलदार शत्रुहंस सिंह ने पहुंचकर रुकवाते हुए कार्रवाई की। खिलचीपुर में तेजी से लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने में लगे हैं। इसी को लेकर खिलचीपुर में सरकारी स्कूल के पीछे रतनलाल जीन के समीप कुछ दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर 30x30 फीट लोहे के टीन शेड बनाकर कब्जा कर लिया था। वहीं जब एसडीएम खिलचीपुर को इसकी सूचना मिली, उन्होंने तहसीलदार को तत्काल नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मौके पर भेजकर अतिक्रमण को हटाने में जुट गए। उल्लेखनीय है कि सोमावरिया के सरकारी स्कूल के आसपास सरकारी बेशकीमती जमीन पर बड़ी मात्रा में लोग कच्चे पक्के अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर करीब 50 से अधिक गुमटियाँ रख कर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किराए पर देकर सरकारी जमीन से वसूली कर रहे हैं। वहीं यात्रियों के बैठाने के लिए सांसद निधि से बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय को भी अतिक्रमणकारियों ने नहीं छोड़ा है। सोमावरिया के इस यात्री प्रतीक्षालय को भी लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर उसमें अतिक्रमण कर सब्जी की दुकान लगा ली है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर टीन सेट बना के अतिक्रमण किया जा रहा था और एसडीएम महोदय के निर्देशन और उनके आदेश द्वारा और कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया जो ये कहे कि मेरा ये सामान है और सामान को जब्त कर लिया। सर आगे भी और कोई कार्रवाई करने का है? हाँ, अभी तो मैं नया तहसील में ज्वाइन हुआ हूँ और एसडीएम महोदय और साथ बैठ के और नगर पालिका सीएमओ बैठ के ऐसा प्लान करेंगे शहर को स्वच्छ और साफ बनाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।